हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं किचन में हूँ। शाम के करीब 6:30 बज रहे हैं। तो आज मैं शाम के 6:30 बजे से अपना रूटीन शेयर करूँगी कि शाम के 6:30 बजे से मैं रात के 9 बजे तक क्या क्या काम करती हूँ, तो वही रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी मैं किचन में हूँ, चाय बनाया है और चाय के साथ भजिया बनाई हूँ, और बगल में मैंने आलू भी चढ़ा के रख दिया था बॉईल होने के लिए। तो ये देखिए, आलू को छील के रख रही हूँ और आलू सोयाबीन की सब्जी बनाऊँगी। सब्जी के साथ आज बनाऊँगी दल भरी पूड़ी। चने के दाल मैंने भिगो के रख दिया है, वो देखिए बगल में है। तो आलू को मैं फोड़ रही हूँ हाथों से, और इसी तरीके से मैं अपना सारा रूटीन शेयर करूँगी किस तरीके से मैं अपना सारा काम करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए। अब सब्जी धुल के रख लूँगी, सोयाबीन मतलब धुल के रख लूँगी। उसके बाद मैं चने के दाल को छौंकूँगी सिंपली जीरा और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर से। तो उसको मैं छौंक लगा लेती हूँ, और इधर मेरी चाय की बर्तन है उसे भी धुलूँगी। तो चलिए आप लोग जाइएगा मत और वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने दाल छौंक दिया था, आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, किसी दिन शेयर करूंगी। तो दाल हमारी छौंक लग चुकी है, और इसे मैं उतार के रख दी हूँ ठंडा होने के लिए, और बगल में मैं अब सब्जी छौंकूंगी। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए, देखिए मैं आलू सोयाबीन की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। और मैं मसाला को निकाल के भिगो के रख दूंगी। तो इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और एक ये मसाला, ये मैं अक्सर सब्जी में डालती हूँ, तो इससे स्वाद सब्जी का और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए और जुड़े रहिए फ्रेंड्स। तो अभी मैं एक प्याज भी काटूंगी मीडियम साइज, और थोड़ा सा मैं मेथी ले रही हूँ। अक्सर मैं हर सब्जी में मेथी डालती हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। और एक प्याज को मैं बारीक कट कर लूँगी। तो चलिए जुड़े रहिएगा। Oh,
फ्रेंड्स सब्जी मैंने छोक दिया है। अब मैं आटा लगाऊंगी और आटा लगाने के बाद मैं दाल को पीसूंगी। तो चलिए आटा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं सब्जी को भून रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऐसे ही सब्जी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है सूखी सब्जी, लेकिन मैं इसे ग्रेवी वाला बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को पूड़ी के साथ ऐसे ही सब्जी पसंद है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसे एक उबाल या दो उबाल लूंगी क्योंकि आलू बॉयल करके बनाया है। तो आप लोगों को ये सब्जी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आटा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने शाम 7 बजे से रात के 8 बजे 9 बजे तक का अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो शाम को मैंने चाय बनाया, फिर उसके बाद पकौड़ी, और आज खाने में बनाई हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी दलभरी, चने की दाल की दलभरी बनाऊंगी। तो सब्जी तैयार हो चुकी है, ये देखिए सब्जी रेडी है और हमें दाल पीसना है। इसे मैं सिल बट्टे पे पीसूंगी और आटा लग चुकी है, ये देखिए, और बाकी बर्तन भी धुल लिया है। तो इसी तरीके से मैं सारा काम अपना करती हूँ, तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अभी मैं दाल को पीस लूं सिल बट्टे पर, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी पहले मैं फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ है, ये देखिए दलभरी भर रही हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से भरती हैं, एक भी फटता नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छे से बनाती हैं, जब मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ तो अक्सर यही बेलती हैं। तो आप लोग भी मिल लीजिए मेरी सासू माँ से, ये मेरी अम्मा है, मैं इन्हें अम्मा करके बुलाती हूँ। कैसा लग रहा है अम्मा पूरी बेल के? अभी कुछ बोल नहीं पा रही है, बोलो अम्मा। आओ बच्चा। पूरी मिलवा रही हूँ और क्या। ये देखिए बेल रही है। तो कुछ इस तरीके से भरती हैं दबा दबा के, ये देखिए, और एक भी पूड़ी फटती नहीं है। पता है आप लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैं इन्हें मना भी करती हूँ लेकिन ये कहती हैं नहीं, पूड़ियाँ लाओ मैं बेल देती हूँ। तो अभी मैं पूड़ियों को छानूंगी, फिर बच्चों लोग को खाने के लिए बुलाऊंगी। तो चलिए पूड़ियाँ छान लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Oh, 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 oh
बर्तन भी धुल लिया है, ये देखिए क्लीन एकदम हो गई है किचन। ये देखिए मैंने चना भी धोया है सुबह खाने के लिए, और ये बाकी पूरी बची है और सब्जी मैंने फ्रिज में रख दिया है, और ये बोतल रात में पानी मेरे हस्बैंड पीते हैं, और बर्तन भी मैंने इसी टाइम आपको दिख रही होगी इसी टाइम स्टैंड में लगा दिया है, कभी कभी ऐसे ही करती हूँ। और ये इसे धुलना है तो इसे सुबह धुलूंगी। तो काम पूरा हो चुका है, अब लोग हम लोग जा रहे हैं टीवी थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बिस्तर पे जाएंगे। तो अभी तो खिड़की बंद करनी है, ये रात में खिड़कियां मैं बंद कर देती हूँ, तो सबसे पहला काम मेरा ये है, ये खिड़की बंद करूंगी। उनका दरवाजा बंद करना है, बच्चे लोग नहीं बंद करते हैं। इसका भी और बत्तियां भी बुता देंगे हम सब लोग, केवल एक बल्ब जलेगी, बाकी मैं सब बुता दूंगी बंद कर दूंगी। तो चलिए एक जलने दूंगी, चलिए आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अभी जाऊंगी थोड़ी देर रामायण देखूंगी, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करूंगी। सारा काम हो चुका है, अब सुबह हमें मुझे उठ के झाड़ू पोछा केवल करना है। रात में ज्यादातर काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ। तो सभी लोग खा पी के आराम कर रहे हैं, बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से लोग मस्ती कर रहे हैं। रात के 9 बज रहे हैं, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी सब लोग शांत बैठे हुए हैं क्योंकि रामायण शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितने शांति से रामायण सब लोग देख रहे हैं। हमारे घर में रामायण सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आवाज़ मैंने बंद कर दिया है क्योंकि बगल में टीवी चल रही है। तो अभी मैं जाऊंगी रामायण देखूंगी, उसके बाद बिस्तर पे आऊंगी। तो वीडियो का अब मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।